अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा पहला व्लॉग है और प्लीज़ कोशिश करें मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैंने जब सोचा कि मैं कपड़ों की सिलाई करूं, और जब मैं कपड़ों की सिलाई करने लगी तो बच्चों को अपना काम याद आ गया, बच्चों ने कहा जी भूख लगी। और जब मैं किचन में गई तो गैस का बिल्कुल बूझ नहीं था फ़िलहाल आने का। फिर मैंने सोच लिया कि साथ साथ थोड़ा और काम वाइंड अप किया जाए। मैंने आटा गूंदने का सोचा कि डिनर के लिए आटा भी रेडी करके रख दूं। फिर ये ले जी आटा स्टार्ट, और ये पानी डाला और हसबे जायका नमक डाला, जो कि पानी भी सब डालते हैं, नमक भी सब डालते हैं, मैंने भी वही डाला। तो ये आटा मेरा गूंद के रेडी हो गया। फिर मैंने इसको बाउल में शिफ्ट किया। बाउल में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में सेव कर लिया। अब जब मैंने बच्चों की भूख के बारे में सोचा तो मेरे पास शामी अवेलेबल थे। लेंजी सिलेंडर तो होता ही है, अगर इसमें भी गैस हो तो ये भी तब भी काम आता है। तो लिहाजा सिलेंडर में गैस अवेलेबल थी, और मैंने फिर शामी फ्राई करना स्टार्ट किया, अंडा बीट किया। और उसके बाद जब शामी फ्राई किए तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि थोड़ा इसमें और कोई टच दिया जाए ताकि बच्चे अच्छे से खाएँ, उनको अच्छी अच्छी भूख, उनकी अच्छी अच्छा पेट भर जाए। तो फिर मैंने अंडे उठाए फ्रिज में से, और उसके बाद मैंने लीजिए मायोनीज, उसके बाद सिंपल केचप, उसके बाद गार्लिक केचप। केचप थोड़ी कम थी तो मैंने सोचा चलो पाउच ले लूँ, साथ उसमें कंटेनर में केचप ट्रांसफ़र कर लूँगी। लिहाजा मेरे पास बर्गर पन अवेलेबल थे, ये मैंने अरेंज किए और सिंपल केचप लगाई, ताकि पहले हम कम मिर्ची यूज़ करते हैं तो लाइट लाइट सी मैंने सिंपल केचप यूज़ की, और ये गार्लिक केचप मैंने फिल कर ली। उसके बाद मैंने शामी अरेंज किए सब बर्गर बन में, और सब अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक खाते हैं, कोई इसमें सलाद पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो मेरे बच्चे कुछ ख़ास पसंद नहीं करते सलाद, तो इसलिए मैंने सलाद को कैंसिल किया। लिहाजा साथ में मैं केचप लगा के, मायनीज लगा के, अच्छी अच्छी टॉपिंग करके बर्गर का टेस्ट थोड़ा अच्छा अच्छा बना लूँगी। शामी तो वैसे भी अच्छे बने हुए होते हैं, तो मैं शामी भी घर में बनाती हूँ। और ले जी अब केचप के बाद, गार्लिक केचप के बाद मायनीज की टॉपिंग की। अब दो बर्गर्स में मायनीज ऐड की, केचप ऐड नहीं की, क्योंकि कुछ बच्चे केचप ज़्यादा लाइक नहीं करते। अब अंडे वाले बर्गर में अंडा ना हो तो बर्गर का मज़ा ही क्या। लें जी अब अंडे रेडी हो चुके, और मैं अंडे की टॉपिंग करने के बाद इन बर्गर्स की दोबारा से टॉपिंग करूंगी मायनीज़ के साथ, क्योंकि बच्चे मायनीज़ बहुत लाइक करते हैं। अब लास्ट में ये हल्का सा ऑयल ऑलरेडी उस पर होता है तवे पे, तो उसके बाद हल्की हल्की सिकाई करने से इसका टेस्ट थोड़ा और भी मज़े का हो जाता है। ले जी तकरीबन बर्गर रेडी हो चुके हैं, ये होममेड बर्गर आप बच्चों को बना कर दें। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहें चैनल के ज़रिए। अल्लाह हाफिज़।